खाकर आत्महत्या करना बताया गया। श्रीमान जी, मामले को साबित करने के लिए मैं अभियोजन की तरफ से अभियोजन साक्षी प्रमाण 3 कवर सिंह का कथन कराया गया था, जो कुछ इस प्रकार है। जो मृतका के पिता हैं और उनके द्वारा कथन में बताया गया था कि कविता बताया गया है कि कविता के विवाह के 20 से 25 दिन के बाद अभियुक्त रमन ने कविता को दहेज के लिए परेशान करना आरंभ कर दिया था। जब अपने पिता के घर वह आई तो उसने अपने माता पिता और भाई को पूरी कहानी बताई थी। मामले की पड़ताल करने के बाद अभियोजन पक्ष ने मामले की पड़ताल करने के पश्चात कंवर सिंह उन्हें पता चला कि अभियुक्तगण अभियुक्त क्रमांक 3 सोनिया का विवाह भी करना था अभियुक्तगणों को, अतः उन्हें 20,000 रुपये की आवश्यकता थी। अभियुक्त प्रमाण के कर्मवेद के द्वारा बताया गया कि यदि वह 20,000 रुपये और दे दे तो कविता को परेशान नहीं किया जाएगा। कविता द्वारा भेजा गया एक पत्र भी प्राप्त हुआ था, जिसमें दहेज की निरंतर मांग व प्रताड़ना के बारे में लिखा था। यद्यपि वह कविता के पिता उन्हें 20,000 रुपये व बाद में 25,000 रुपये और सोने की चैन खरीदने के लिए कंवर सिंह जी के द्वारा दिया गया मृतका के पिताजी के द्वारा। कुछ दिनों बाद जब कविता के ससुराल गया तो उसने बताया कि परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं हुआ है। जब पैसा दिया जाता है तो 10 से 20 दिनों के लिए शांति हो जाती है, अन्यथा उसे निर्दयता पूर्वक पीटा जाता है। पक्ष को साबित करने के लिए मैं अभियोजन साक्षी क्रमांक 4 का भी कथन पेश करना चाहता हूँ, जो न्यायालय में पहले से मौजूद है। जो मृतका का भाई है अभियुक्त साक्षी 4 जो मृतका का भाई है उसने कथन किया है कि बहन कविता ने ससुराल से लौटकर उसे दहेज की मांग पर दी जाने वाली प्रताड़ना में व्यवहार के बारे में उसे बताया था। साक्षी पंकज ने यह भी बताया कि संक्रांति की संध्या पर जब वह कविता की ससुराल परंपरागत सामान लेकर गया था उससे 30,000 रुपये की मांग की गई और सामान फेंकने की धमकी भी दी गई। अभियुक्तगण द्वारा उसे अपमानित भी किया गया। श्रीमान जी, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वह भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शित है कि जहर खाने से ही मृत्यु हुई है। अन्वेषण अधिकारी के मौका नक्शा उसने जो शिनाख्त की थी जानकारी जुटाई थी वो भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। श्रीमान जी, मैं अपने मामले की समर्थन में उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ आधारित सवालों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य अभी 28 मई 2021 सुप्रीम कोर्ट अपील नंबर 17 35 17 36 20 10